नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। इंडिया गठबंधन की दो दिन की बैठक के लिए मुंबई पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बैठक से पहले राहुल गांधी ने कहा कि आज सुबह दो मामले सामने आए। ग्लोबल फाइनेंशियल अखबारों ने अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी पर सवाल उठाए। एक अखबार ने कहा कि पीएम मोदी के करीबी अडानी परिवार ने अपने शेयरों में पैसा इन्वेस्ट कर स्टॉक्स में हेरफेर की कोशिश की। इस खुलासे के बाद देश की छवि पर असर पड़ा है। राहुल ने कहा यह कोई आम अखबार नहीं है, इससे देश में इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ता है। इससे पहला सवाल यह उठता, ये पैसा किसका है, गौतम अडानी का पैसा या फिर किसी दूसरे का पैसा है? दूसरा सवाल कि दो विदेशी नागरिक इसमें क्यों, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का इसमें क्या रोल? तीसरा सवाल यह कि जिस शख्स ने सेबी की तरफ से अडानी मामले की जांच की थी, क्लीन चिट दी थी, वह अडानी के ही एक चैनल में डायरेक्टर हैं। इस मामले के लिए तुरंत एक जेपीसी की गठन होना चाहिए। इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसका पता चलना चाहिए। ये गार्डियन न्यूज़पेपर है, इसमें साफ लिखा है जो मोदी लिंक्ड अदानी फैमिली सीक्रेटली इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स डॉक्यूमेंट सजेस्ट। मतलब एक परिवार जो मोदी जी के बहुत करीब है, उसने अपने शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए। दूसरा, यहां फाइनेंशियल टाइम्स अखबार है, इसमें लिखा है हिडन इन्वेस्टर्स एंड अ सीक्रेट पेपर ट्रेल। और ये गार्डियन की अंदर का पेज है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स। मतलब $1 बिलियन हिंदुस्तान से अदानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया, और उस पैसे से अदानी जी ने जो उनकी शेयर प्राइस थी उसको बढ़ाया, इन्फ्लेट किया, और उस फायदे से हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अदानी जी एयरपोर्ट्स खरीद रहे हैं, पोर्ट्स खरीद रहे हैं, अभी यहां धारावी में शायद उनको बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब जो हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं, जो पूंजी हैं, जो अदानी जी खरीद रहे हैं, वो इस पैसे से शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करके खरीद रहे हैं। सबसे पहले सवाल उठता है, ये जो पैसा यूज किया जा रहा है ये किसका है? ये अदानी जी का है या ये किसी और का है? और अगर किसी और का है तो वो किसका है? ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि इस काम को करने के लिए मास्टरमाइंड विनोद अदानी जी हैं, जो उनके भाई हैं, गौतम अदानी जी के भाई हैं, मगर उनके साथ उनके दो बिजनेस पार्टनर और हैं। एक का नाम नासिर अली शबान अली और दूसरा चैंग चुंग लिंग चाइना का है। तो दूसरा सवाल यह उठता है कि जब अदानी जी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे जा रहे हैं, तो ये जो चाइनीज नेशनल है ये इसमें कैसे इन्वॉल्व है, इसका क्या रोल है, इसने क्या किया, ये साबित होना चाहिए, ये दूसरा सवाल। और ये जो फॉरेन नेशनल्स हैं, ये हिंदुस्तान की शेयर मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, यह सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, अदानी जी डिफेंस में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, एयरपोर्ट्स पोर्ट्स में काम करते हैं, तो ये जो दो फॉरेन नेशनल्स हैं, खासतौर ये जो चाइनीज आदमी है चैंग चुंग लिंग, इसका क्या रोल है? जो सेबी का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जिसने क्लीन चिट दी, जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन किया
और जिसने क्लीन चिट दी आज वो अदानी जी का जो चैनल है NDTV उसका डायरेक्टर है। तो मतलब ये एक नेटवर्क है, इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल कैप्चर दिख रहा है, सेबी का चेयरमैन क्लीन चिट देता है और उसके एकदम बाद अदानी जी की कंपनी में डायरेक्टर बन जाता है। इंटरनेशनल मामला है, स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेट किया जा रहा है और उस इन्फ्लेट करने के बाद उससे हिंदुस्तान के एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है इसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, शांत क्यों है? संसद का विशेष सत्र बुलाया है, 5 दिनों तक लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चलेगी। यह सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा, इसमें 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अचानक बुलाए गए विशेष सत्र की वजह से चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर 5 दिनों तक चलने वाली संसद की कार्रवाई में क्या होने वाला है, क्या सरकार की ओर से कोई अहम बिल पेश होगा या फिर ये नए संसद भवन से जुड़ा हुआ है। अगली खबर रांची से है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाई बहन के अटूट प्रेम स्नेह और विश्वास के पावन पर्व रक्षाबंधन की सभी को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये कामना करता हूं ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशियां लाए और आप सभी स्वस्थ रहें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि 2014 में सत्ता में आए थे और 2024 में चले जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अपने गांव सैफई में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं। भाजपा ने जनता को धोखा दिया है, जनता की भाजपा को 2024 में सत्ता से बाहर करेगी। साथ ही भाजपा 2014 में सत्ता में आई थी और 2024 में सत्ता से विदा हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने मुंबई में होने वाली बैठक को लेकर कहा कि लगातार इंडिया दल की बैठक हो रही है। पहली बैठक पटना बेंगलुरु में हुई और आज से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ये बैठक आयोजित की गई है। ...2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने दिल्ली में बड़ा बदलाव किया गया। आपको बता दें कांग्रेस ने अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली कांग्रेस प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। आपको बता दें अभी तक जिम्मेदारी अनिल चौधरी के पास थी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के वेणुगोपाल ने एक पत्र जारी करते हुए इस बात की घोषणा की है और तत्काल प्रभाव से अब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को बना दिया गया है। जानकारी के लिए बता दूं कि लवली इससे पहले दिल्ली सरकार में शिक्षा, अर्बन डेवलपमेंट, रेवेन्यू जैसे अहम पद पर संभाल चुके हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बहनों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन से पहले ही बहनों को प्रधानमंत्री जी ने गैस सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी देकर एक बड़ी सौगात दी है। वहीं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बहनों को 400 रुपए सब्सिडी भी दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी बहन को गैस कनेक्शन नहीं मिलता है तो कल प्रधानमंत्री जी 75 लाख LPG गैस कनेक्शन फ्री में देने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। दो के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी लखनऊ के इंदिरा गांधी
प्रतिष्ठान में विमुक्ति दिवस मनाकर अति पिछड़े जातियों का लगभग 18% वोट हासिल करना चाहती है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। तो वहीं लगभग 18% आबादी विमुक्ति जातियों में शामिल देश की आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है और आजादी के 77 साल बाद भी विमुक्ति जातीय पिछड़ेपन का दंश झेल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की 152 जातियों को एकजुट करने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बीजेपी ने विमुक्ति दिवस समारोह का आयोजन किया। इस समारोह के माध्यम से प्रदेश की लगभग 18% आबादी को एकजुट करने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। आज पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। आपको बता दें, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रेशम की डोर बांधती हैं, जिससे ये रिश्ता अटूट बन जाता है। ऐसा ही कुछ नजारा गाजियाबाद की डासना जेल में देखने को मिला, जहां पर सुबह से ही लंबी कतार में खड़ी बहनें अपने भाई से मिलने का इंतजार कर रही थी। दरअसल ये सभी बहनें अपने भाई को जेल में राखी बांधने के लिए आई थी। जैसे ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में, किस तरह से प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। बहनों को मुफ्त में राखियां दी जा रही हैं, ताकि वे अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकें। रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में गाजियाबाद के डासना जेल में भी रक्षाबंधन का त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आलोक सिंह जेल अधीक्षक हैं, वो मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं उनसे, जानेंगे कितनी बहनों ने आज भाइयों की कलाई पर राखी बांधी है। देखिए, आज जैसा कि रक्षाबंधन का पर्व है और सवेरे से ही एक क्रम शुरू हो गया, जो बहनें हैं अपने बंदी भाइयों को राखी बांधने सवेरे 7 बजे से ही आना शुरू हो गई थी और अभी तक लगभग 3000 से अधिक बहनें अपने भाइयों को राखी बांध चुकी हैं और अभी ये क्रम चल रहा है। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं आपकी तरफ से उन्हें दी गई हैं, जैसे कि वहाँ से उनकी चेकिंग, उसके अलावा राखियों में जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसको किस तरीके से आप उनके साथ मनाने का योगदान दिया है? अब हम लोग तो विगत 2-3 दिन से है लगातार इसमें तैयारी कर रहे थे और हम लोगों ने जैसे बाहर और अंदर दोनों जगह टेंट लगवा दिए, जिससे कि धूप में ज़्यादा देर खड़ा ना रहना पड़े और उसके लिए मतलब प्रॉपर एक स्टैंडिंग क्यू उपलब्ध रहे और धूप का ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। इसके साथ ही पानी का, शौचालय का और सुरक्षा की दृष्टि से हमने पुलिस विभाग से भी सहयोग प्राप्त किया और महिला कांस्टेबलों की ड्यूटी लगवाई है स्थानीय पुलिस की, और इसके साथ ही अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को भी हमने विभिन्न पॉइंट चिन्हित किए और वहाँ अलग अलग ड्यूटी लगाई है, जिससे कि कभी भी किसी को कोई असुविधा हो तो उसका तत्काल निराकरण हो सके। इसके साथ ही हमने मेडिकल डेस्क भी अंदर और बाहर दोनों जगह लगाई है, जिसमें डॉक्टर हमारे 2 तैनात हैं, जैसे कभी किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो तो तत्काल उसका निराकरण हो सके। जैसे कई वृद्ध महिलाएं आ रही हैं, जैसे किसी को चक्कर आ गया, कुछ आ गया, तो बीपी इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब रखे हुए हैं ताकि उनका तुरंत परीक्षण हो सके और कोई ऐसी अप्रिय स्थिति ना उत्पन्न हो सके। अच्छा, कितना वक्त मिल रहा है एक बहन को अपने भाई के साथ मिलने का, क्योंकि एक बड़ा मौका मिल रहा है, कम से कम उससे मिलना भी होता है, राखी भी बनती है, कितना? नहीं, आधे घंटे का समय तो मिनिमम दिया ही जा रहा है, और क्योंकि ज़्यादा समय देंगे तो फिर और जो जैसे महिलाएं आ रही हैं और बहनें आ रही हैं तो उनको भी समय चाहिए अगर, तो इसलिए आधे घंटे का हमने निर्धारित किया समय। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो कारागार के बंदी विगत कई सप्ताह से राखी तैयार कर रहे थे खुद कारागार में, वो हमने एक स्टॉल लगाया था बाहर और उससे आम पब्लिक के लिए भी वो विक्रय के लिए उपलब्ध थी, और आज हम लोग निशुल्क राखियां बहनों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि वो अपने भाइयों को राखी बांध सकें अगर उनके पास नहीं है तो। बिल्कुल, तो कितने कह सकते हैं कि कितने उनको जो समय तो मिला है कि वो तो सुनिश्चित तौर से कम ही दिया जाएगा, फिलहाल कितनी और आने की स्थिति अभी जाहिर की जा रही है? देखिए, जैसे अधिकतर भीड़ तो मुझे लग रहा है अब कम हो गई है, अभी हम 2-3 घंटा और देखेंगे, और ऐसा
हम प्रयास करेंगे कि कोई भी जो अपने भाई को राखी बांधने आए बहन, वो उसको अवसर मिल सके अपने भाई को राखी बांधने का और वो अच्छे से ये पर्व को मना सके। अरे जिस तरीके से बहनें बाहर निकल रही हैं, उनके चेहरे पे एक खुशी आपने देखी होगी, तो क्या महसूस कर पा रही हैं? नहीं बिल्कुल, ये तो एक गर्व की अनुभूति होती है कि क्योंकि देखिए गार्जियन हम ही हैं यहाँ बंदियों के, और इनको अगर जैसे ये पावन पर्व है ये अगर हर्षोल्लास से मनाएंगे और तो उससे इनकी मनोवृत्ति पे भी बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और बंदी के घर वाले भी जानेंगे कि हम लोग मानवीय संवेदना से भरे हुए हैं और हम उनकी परेशानी का और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। चलिए, ये थे मेरे साथ जेल अधीक्षक आलोक सिंह जी, जिन्होंने बताया कि जो जेल में जो बंदी हैं उनकी जो बहनें हैं उनसे मिलने के लिए आ रही हैं, तो काफ़ी उन्हें सुविधा भी जेल की तरफ से दी गई है। अपने सहयोगी माइक के साथ मैं नदीम साहिन, इंडिया वॉइस गाजियाबाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।